ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना पाते हैं। कई लोग तो सब कुछ होते हुए भी हार मान लेते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अक्षमताओं का रोना नहीं रोते, बल्कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। एक ऐसे ही शख्स हैं श्रीकांत बोला की आँखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकते। इसके बावजूद भी आज उन्होंने 80 करोड़ से अधिक की कंपनी स्थापित करके सफलता की नई कहानी लिखी है। श्रीकांत बोला ने अपनी इस सफलता को कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करके अर्जित किया है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक का ये सफर। श्रीकांत का जन्म 1992 में आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ। वो जन्म से ही दृष्टिबाधित थे। उनके माता पिता को लोगों ने राय दी कि वे उन्हें किसी अनाथालय में छोड़ आएं, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया। स्कूल में उन्हें सबसे पीछे बिठाया जाता था, लेकिन श्रीकांत में भी हमेशा से कुछ अलग करने की चाह थी। इसी चाह ने उन्हें जन्म से दृष्टिबाधित होने के बावजूद आज करोड़ों रुपये के बिजनेस का मालिक बना दिया। श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जैसे तैसे करके उन्होंने साइंस में पढ़ाई की। वो पढ़ने में काफ़ी तेज थे। 12th क्लास में उनके 98% मार्क्स आए। उनके रिजल्ट को देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने IIT की तैयारी शुरू की। इस दौरान कोचिंग सेंटर ने उनका एडमिशन लेने से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इंडिया के IIT कॉलेजों ने इनके नेत्रहीन होने के कारण इन्हें एडमिशन नहीं दिया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। IIT में एडमिशन नहीं मिलने पर श्रीकांत ने अमेरिका के टॉप टेक्नोलॉजी स्कूल MIT के लिए अप्लाई किया और वे नेत्रहीन सेलेक्ट होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे चाहते तो वहीं रहकर आराम का जीवन जीते, लेकिन उन्होंने वापस भारत आने का फैसला किया और यहाँ आकर अपनी कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने 9 साल पहले बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। उनकी प्रतिभा को देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा ने पहचाना और उनकी कंपनी में निवेश किया। बोलेंट इंडस्ट्रीज जो पैकेजिंग सॉल्यूशन तैयार करती है, मजबूती से आगे बढ़ती गई। कंपनी ने 2018 तक 150 करोड़ रुपये की कारोबार हासिल किया। श्रीकांत की कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और कंपनी ने 650 से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इनमें लगभग आधे लोग डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से आते हैं। श्रीकांत को 2017 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में जगह मिली। एशिया से चयनित होने वाले 3 भारतीयों में से वे एक थे। उन्हें CII इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016, ECLIF मलेशिया इमर्जिंग लीडरशिप अवार्ड जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं। 2017 में एक भाषण के दौरान श्रीकांत उन छात्रों में से थे जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संबोधित किया था। मिसाइल मैन ने उनसे पूछा, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? इस सवाल पर श्रीकांत ने जवाब दिया था, मैं भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। तो ये थी स्टोरी श्रीकांत बोला की। ऐसे ही रियल मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।